न्यूज़क्लिक वेबसाइट से जुड़ी 30 लोकेशन पर छापे यूएपीए और चीनी फंडिंग का केस। अनुराग ठाकुर बोले, गलती की है तो जांच होगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज़। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को वेबसाइट न्यूज़क्लिक पर रेड की है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने न्यूज एजेंसी को बताया कि पुलिस ने कथित तौर पर वेबसाइट से जुड़ी 30 से ज्यादा लोकेशंस पर छापा मारा है। पुलिस कुछ पत्रकारों को अपने साथ ले गई है। दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई यूएपीए के तहत की है। 2 महीने पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट जारी कर बताया था कि न्यूज़क्लिक को एक अमेरिकी वामपंथी अरबपति नोवेल राय सिंघम ने फाइनेंस किया था। वे चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए भारत समेत दुनिया भर में संस्थाओं को फंडिंग देते हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर 17 अगस्त को न्यूज़क्लिक के खिलाफ यूएपीए के सेक्शन 153A, धर्म जाति के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और 120B आपराधिक षड्यंत्र में भागीदारी समेत कई अन्य सेक्शन के तहत एक FIR दर्ज कराई गई थी। FIR का नंबर 224/2023 है। इस रेड को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुझे यहाँ किसी बात की सफाई देने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने कोई गलत काम किया है या गलत तरीके से उसके पास पैसा आया है तो जांच एजेंसियाँ तय गाइडलाइन के तहत जांच करने के लिए पूरी तरह आज़ाद हैं। हाईकोर्ट ने पुरकायस्थ की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। इससे पहले 22 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज़क्लिक के एडिटर इन चीफ प्रबीर पुरकायस्थ को नोटिस दिया था। यह नोटिस दिल्ली पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग EOW की याचिका पर दिया गया था। पुलिस ने याचिका में कोर्ट की अंतरिम आदेश को वापस लेने की अपील की थी, जिसमें न्यूज साइट के खिलाफ सख्त एक्शन लेने पर रोक लगाई गई थी। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने 7 जुलाई 2021 को प्रबीर पुरकायस्थ को गिरफ्तार न करने का आदेश दिया था। हालांकि कोर्ट ने कहा था कि पुरकायस्थ को अधिकारियों के निर्देशों के मुताबिक जांच में सहयोग करना होगा। दिल्ली पुलिस की याचिका के बाद कोर्ट ने पुरकायस्थ से इस मामले में जवाब तलब किया था। संसद में उठा था न्यूज़क्लिक का मुद्दा। संसद के मानसून सत्र के दौरान 7 अगस्त को लोकसभा में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने न्यूज़क्लिक को मिलने वाली चीनी फंडिंग का मुद्दा उठाया। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें बताया गया था कि न्यूज़क्लिक को एक अमेरिकी वामपंथी अरबपति नोवेल रॉय सिंघम ने फाइनेंस किया था। वे चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए भारत समेत दुनिया भर में संस्थाओं को फंडिंग देते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि कांग्रेस, चीन और विवादित न्यूज वेबसाइट न्यूज़क्लिक एक ही गर्भनाल से जुड़े हैं। राहुल गांधी की नकली मोहब्बत की दुकान में पड़ोसी सामान साफ देखा जा सकता है। चीन के प्रति उनका प्रेम नजर आ रहा है। वे भारत विरोधी अभियान चला रहे हैं। सितंबर 2021 में इनकम टैक्स विभाग ने ऑनलाइन पोर्टल न्यूज लॉन्ड्री और न्यूज़क्लिक के ऑफिस में रेड डाली थी। टैक्स चोरी की जाँच के लिए यह कार्यवाही की गई थी। इनकम टैक्स विभाग ने इस बात की पुष्टि की है कि उसकी टीमों ने साउथ दिल्ली में इन दोनों वेबसाइट के ऑफिस पहुंची थी। हालांकि आयकर विभाग की तरफ से इस कार्रवाई को रेड की जगह सर्वे कहा गया है। आईटी अफसरों ने बताया कि विभाग की टीमें न्यूज लॉन्ड्री और न्यूज़क्लिक के परिसरों की जांच कर रही हैं। दोनों पोर्टल से जुड़ी बही खातों की भी जांच की जा रही है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक यह कार्यवाही दोनों संस्थानों के टैक्स पेमेंट और दूसरे भुगतान की जांच के लिए की गई थी। वहीं आईटी सूत्रों ने कहा, यह ऑपरेशन टैक्स पेमेंट से जुड़ी कुछ जानकारियों को वेरीफाई करने के लिए किया जा रहा है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज़।